किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। मन सोची ना दो ली हूँ तब ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। चाय बना ली है और आज बहुत जल्दी उठ लिए थे तो हनी गया है स्कूल में, चाय मैंने पैक कर ली है चाय भी, क्योंकि मेरे भाई की हो रही थोड़ी तबीयत ख़राब तो वो एडमिट हो रहा है तो उन्हें लेकर जानी है। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल में आज। हाँ खाना खा रहे अभिषेक। हेलो, इसका दवाई चढ़न लाग रही है, एडमिट हो रहा है, इसका ब्रेकफास्ट आ रहा है, सुए लागन लाग रहे हैं। ये ठीक है थोड़ा बहुत, वो है ना एक्सरे हो गया ना। हाँ कई बोर क्या की टेस्ट लिख रखे हैं, अभी डॉक्टर के नाम क्या आएंगे वो बताएंगे ना। लिखवा गए ना डॉक्टर तो? हाँ ले रहा हूँ, पता है लिख दिया तो। हाँ देख तो बताइए बेटा, चेक के लिए बाय। ओए बाय, आ मैं बस थोड़ी देर में, ठीक है आ रहा हूँ। चलो गाइज हम घर आ गए हैं और रितिका लाग रही है खाना बना, खाने में बड़ा हो गया नमकीन चावल है तो मैं इतना आटा लगा लूँ रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि वे कह के मैं तो रोटी बनाऊंगा सारे चावल खा रहे खाना के बाद वो कर रोटी की फिर कैसा महसूस होता है, है? चुटकले चल रहे हवे सही चल रहे चलो कोई ना मैं बना दूंगी रोटी। गाइज चावल तो बन गए हैं, सीटी भी निकल गई लग है, यो ले लिया मैंने चाट मसाला काली मिर्च, इसमें हींग है और जीरा रलदी पड़ेगी, इसमें मिर्च काट ली है तो मैं बनाऊंगी मिर्च, मिर्च छोकू नू कहा कि मिर्च छोक दे, कल मैं ले खाई थी ये मिर्च तो मैंने इसमें जीरा गेर दिया है। और हींग भी गेर दी है, हींग थोड़ी सी बत्ती बेस तक गेर लियो कम ना रहनी चाहिए। और तेल में हल्दी गेर है ना तो उस तरह मतलब थोड़ा बढ़िया सा हो जा है रंग भी, तो ये गेरूंगी मैं इसमें भी। चम्मच ले लियो एक बार, और ईद नमक डालूंगी ऊपर तक। रितिका भी आ गई है, चावल बन गए इसकी देखा है, चाट मसाला सबसे पीछे डालूंगी थोड़ा सा, वो अपनी मर्जी है डालो चाहे मत डालो। तो थोड़ी देर एक बार इन्ना होने दूंगी, और हाँ थोड़ी सी काली मिर्च भी गेरूंगी क्योंकि ये कम पाव है, हर लाल हम खाते को ना इस मारे ये चटपटी कम हो है, यह हमारे छोक लू नहीं खाई जाएंगी मकाइए तक। तो चलो एक बार चाट मसाला गिरूंगी बाद में, हिलाते रहना है ये ढकनी को ना, ढकेंगे तो इनमें पानी बन जाएगा। भाई चावल भी बनकर हो गए हैं रेडी, और रितिका ने ले ली हैं और ये मिर्च मैंने ईब ढकी है क्योंकि मैंने गैस बंद कर रखी है तो देने सोचो ढक कर बनाई है, तो ये भी होगी देखो बढ़िया वाली, अरे ये ज़्यादा ना करनी ना तो फिर ये अजीब सी हो जाएंगी, तो ये इसी होंगी कुरकुरी कुरकुरी सी। तो चलो रोटी बना दी, एक बार आटा मैंने लगा ही लिया था, रितिका के मैंने डाल दिए। हम तो फिर तो आ गए, कई देर हो गई आई तो जान का टाइम हो गया, हर इसका कहने लगे लाख तीन जगह लगाया, तीन माह में तो कोसी पर भी नहीं लगे, इतना दर्द कर गए छोरे का बहुत गाना नरा दर्द होया कई देर, और कई देर हाथ मसलिया जाकर ना जब दवाई चढ़ी इतनी मुश्किल है, वो तो है ना पहला कैन ला लागे लागे दूसरा लगाना पड़ा करे ना, फिर वो पहले ना आटा सकते थे ना, आटा दिया तेरा गणा दर्द हो गया ना तेरा एकदम, तो सुए चढ़ते चढ़ते हाथ में इस मारे
6:30 हो गए, 7 बजन हो रहे हैं, तो मैं तो जाऊँ है थे रोटी राटी भी भेज देनी है। अभी से की ताड़े मिल लेंगी थारी बनवा का पोचवा दूंगी ना, कोसा होगा देख लूँगी। गाइस मैं घर आ गई हूँ और वे रह गए उड़ेगा उड़ा समय, तो मैंने सब्जी बनाऊँ आकन है और पानी पानी भी ना पिया, मैं कहा पहला सब्जी छोक दूँ, इतना या बनती रहेगी इतना आटा लगाऊंगी फिर उनकी ना रोटी पहुँचानी है हॉस्पिटल में, तो मैंने सब्जी में बनाऊंगी भूज खाई थी पेठा, तो पेठे की सब्जी बनाऊंगी और दूध काट रखा है राबड़ी काट रखी, तो एक बोतल राबड़ी की दूध की बरकत दूंगी, वो अभिषेक भी पी लेगा इसने तो थोड़ा बहुत है, और बनाऊँ सब्जी। तो चलो मैं एक बार पेठे की सब्जी छोक लूँ, तो मैं इसने सिर्फ मेथी में छोकूंगी, मेथी के बाद है ना इसमें थोड़ी सी गेरूंगी मैं हल्दी और आम भी गेरूंगी, पर आम भी थोड़ी कच्चे ही गेरूंगी, तो मैं ये ओहो सीप ला दी थोड़ी सी, ये इसमें तेल में इसने सैलो फ्राई सी हो जाएंगी, इसमें मैं आम भी काट लूँ और इसमें साथ साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी, तो मैं तनुआ बनाया करूँ और मिठिया बनाया करूँ मैं थोड़ी देर, मैं इसमें मतलब मीठा डालूँगी तो नमक भी डाल दूँ, टमाटर टमाटर कुछ ना डालूँ बस आम भी डालूँगी, और बनने के बाद भी दिखाऊँगी। मेथी का छोक लगा दिया है और आम भी लेकर आ रही हूँ, तो एक बार आम भी और काट कर दिया फिर इसमें ना ढक दूँगी, तो ये सारी चीज़ बढ़िया हो जाएंगी, तो नहीं वो सैलो फ्राई भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो गाइज देखो सब्जी बन गई है बढ़िया वाली कती, और मैंने इसमें थोड़ा सा कती एक चम्मच मीठा वगैरह दूध गर्म होने लग रहा है, आटा मैंने लगा दिया है और टिफिन टिफिन भी काट लिए हैं, तो चलो एक बार जल्दी तक रोटी और सेक दी क्योंकि लेट होने लग रहे। गाइज मैं खाना ले आई हूँ और मम्मी अर का पहुँचा दिया है यह पेठे की सब्जी, सुबह मेरे छोकी थी रोटी और राबड़ी दूध में, तो चलो रितिका ने खा लिया है, अन्नी ने भी खा लिया है, मैं और सोमवीर जी रह रहे हैं तो ये भी आ गए थे तो हम भी खा लें मरु खाना। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।